हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया दस्तखान। आज मैं अपने दस्तखान में पेश करने जा रही हूँ बहुत ही मजेदार सी चटपटी खट्टी और मीठी आलू और शकरकंदी की चाट। शकरकंदी का सीजन है और आलू भी सर्दियों में बहुत अच्छे आते हैं, जिनकी चाट बहुत अच्छी बनती है। बहुत ही सिंपल है, ईजी है और कुछ ही मिनटों में चाट बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं हमें इस मजेदार सी चटपटी चाट को किस तरह से तैयार करना है। खट्टी मीठी आलू और शकरकंदी की चाट बनाने के लिए मैंने शकरकंदी ली है, जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया है, और साथ में ही मैंने आलू भी लिए हैं थोड़े छोटे साइज के। इनकी चाट अच्छी बनती है, इसको भी मैंने बॉईल करके रख लिया है। अच्छा, आलू और शकरकंदी दोनों ही 400-400 ग्राम है, यानी कि कुल मिला के हमारे पास 800 ग्राम है। और 800 ग्राम आलू और शकरकंदी की हम चाट तैयार करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने बस बहुत थोड़ा सा पानी लिया था कुकर में, और उसमें मैंने एक हाई फ्लेम में सीटी ले ली थी, और उसके बाद लो फ्लेम करके 2 या 3 मिनट के लिए मैंने इसको गला लिया था। तो शकरकंदी और आलू के छिलके मैंने उतार लिए हैं, और बॉईल करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि ओवर कुक नहीं होना चाहिए, कि छीलते टाइम या काटते टाइम वो टूटने लगे। तो थोड़ा सा टाइट ही रखना है आलू और शकरकंद को। और ये देखिए, मैं आलू को थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में काट के रख रही हूँ। कुछ इस तरह से हमें आलू को काट लेना है। अगर आपके आलू थोड़े बड़े साइज के हैं तो उसके 3 टुकड़े कर लें। यहाँ पे हमने आलू काट के सब रख लिए हैं। अब हम शकरकंदी की तरफ चलते हैं। इसको भी हमें उसी साइज में काट लेना है, जितने बड़े आलू है ना, बस उसी साइज में हमें शकरकंदी के पीसेस को भी काट के रख लेना है। ये देखिए, ये साइज मैंने शकरकंदी का रखा है। इस साइज में हमें सभी शकरकंदी को काट के रख लेना है। शकरकंदी में भी अगर आपको थोड़ा सा बड़ा पीस लगता है तो उसको बीच से आप कट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे आलू और शकरकंदी कट के तैयार हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा चाट में। मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, और लाल सूखी हुई मिर्च है जिसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इसको मैं दरदरा सा पीस लूंगी मिक्सर ग्राइंडर में। और ये देखिए, मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा मोटा ही रखा है और भुना हुआ है, तो इससे चाट का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मजे का आएगा। अच्छा, अब जो ये स्टेप मैं करने जा रही हूँ ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मैं आलू और शकरकंद को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, यानी कि शैलो फ्राई करने जा रही हूँ। मैंने बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल है जो मैंने धुआं आने तक गर्म कर लिया था, और इसमें मैं दोनों चीजों को डाल रही हूँ। मैंने आलू डाल दिए हैं और शकरकंदी को भी डाल रही हूँ। हल्की सी लेयर आने तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने से टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप ऑयली पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको फ्राई ना करें। हल्के हाथ से चलाते हुए मैं इसको हाई फ्लेम में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लूंगी, जब तक कि इसमें हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आने ना लगे। ये देखिए, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। हाई फ्लेम में मैंने इसे फ्राई किया है और बहुत कम चलाया है, और देखिए इस तरह से गोल्डन गोल्डन से जो उसमें लेयर है वो आ चुकी है। तो बस अब मैं इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सब निकाल दूंगी। अच्छा, जो शैलो फ्राई नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल डाल के ही उसमें आलू और शकरकंद को फ्राई करके मसाले शामिल कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद मैंने इसका सारा ऑयल निकाल लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आलू बॉईल करे थे, इसमें कुछ भी नमक वगैरह नहीं डाला था। और 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और मिर्च का हमें ख्याल से ही डालना है, क्योंकि हमने जो मसाले पीसे हैं दरदरे उसमें भी मिर्च है। और ये जो हमारा दरदरा पिसा हुआ मसाला है जो हमने ड्राई रोस्ट किया था वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और मैं इसमें 1/2 टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है। इसमें चाट का जो टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा सा आ जाता है। इसको पहले हम मिक्स कर देते हैं, कहीं मसाले जलने न लगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है हमें इस वक्त, क्योंकि मसाले बिल्कुल सूखे हुए हैं। इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे अदरक का पाउडर डाल रही हूँ, जिसको सोंठ कहा जाता है। बहुत अच्छा सा इसमें खुशबू आ जाएगी चाट में, फ्लेवर आ जाएगा अदरक का। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो अदरक होती है उसका पेस्ट तेल में थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद आलू डालें, अगर पाउडर है तो ज्यादा अच्छा है। चाट को खट्टा बनाने के लिए मैं इसमें इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ। मैंने इमली का पल्प बनाने के लिए 50 ग्राम इमली ली थी, और उसको 100 ml गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए उसको भिगा के रख दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से हाथों से रगड़कर उसका सारा पल्प निकाल लिया और उसको छान लिया था। तो इस तरह से हमारा 100 ml के आसपास पल्प, गाढ़ा पल्प बिल्कुल तैयार था, और मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ में ही मैं इसमें गुड़ शामिल कर रही हूँ, जो कि क्वांटिटी में 100 ग्राम है,
और इसको मैंने छोटा छोटा छुरी से काट लिया है। आप उसको किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से तोड़ लें, उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि वो इजीली डिजॉल्व हो जाए। और अच्छी तरह से हमें आलू और शकरकंदी के साथ गुड़ और इमली के पल्प को मिक्स कर देना है हल्के हाथों से चलाते हुए। बहुत ज्यादा हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना है, बहुत ध्यान से करना है कि जो आलू शकरकंद है वो टूटे भी ना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम देख लेंगे इसका टेस्ट करके, अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा मिठास कम है तो हम इसमें गुड़ शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है खट्टापन थोड़ा कम है तो आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं तकरीबन 50 ml के आसपास पानी डाल रही हूँ। बहुत थोड़ा ही पानी डालना है कि जो गुड़ वाला डाला है वो इजिली डिजोल्व हो जाए और अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के पका लूंगी ताकि जितना भी मसाले हैं और गुड़ और इमली का पल्प सबका टेस्ट अच्छी तरह से आलू और शकरकंद में आ जाए। और बस 2 मिनट हुए हैं, मैंने इसका लिड हटा दिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बहुत अच्छा सा इसमें कलर भी आ चुका है। और बस हमें इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में खोल कर पका लेना है, जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा सूख जाए और उसकी कोटिंग है बहुत अच्छी तरह से आलू और शकरकंद के ऊपर आ जाए। अच्छा, इसको मैंने बिना शकरकंदी के सिर्फ आलू के साथ भी तैयार किया था, तो बहुत ही मजे की खट्टी मीठी सी एक सब्जी नुमा चाट तैयार हुई थी। तो मैंने इसको पराठे और पूरी के साथ सर्व किया था, तो बहुत ही टेस्टी लगी थी, बहुत ही मजेदार सी बनी थी और सभी को बहुत पसंद आई थी। तो आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप इसको बिना शकरकंदी के भी बना सकते हैं। और ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और ये आलू और शकरकंद है वो बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं और हमारी बहुत ही मजेदार सी खट्टी मीठी सी चाट बिल्कुल तैयार है। और इसको हम गरम गरम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मजे की चाट बनी है, इसको आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप इसको बिना शकरकंद के बनाना चाहते हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं और इसको सब्जी की तरह भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजे की, बहुत ही चटपटी और बहुत ही खट्टी मीठी सी हमारी चाट बिल्कुल रेडी है। इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते के साथ। बहुत हल्के हल्के से पत्ती डालनी है। मजेदार सी चटपटी चाट की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप फर्स्ट टाइम खाने के खान पर आए हैं तो आप, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मैं जल्द ही हाजिर होंगी इसी तरह की और ज़बरदस्त रेसिपीज लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।